Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd, Ethers and Epoxides. इसका Part 2nd आज हम देखेंगे. Part 1st में हमने Ethers क्या होते हैं, क्या nomenclature है, क्लासिफिकेशंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी. इसके बाद में केमिकल रिएक्शंस की इसी क्रम के अंदर हम देखेंगे कि परऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है. ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थाई परऑक्साइड बनाती है. ईथर का डिस्टिलेशन करने पर यह परऑक्साइड बचा रहता है जो विस्फोट के साथ में जलता है. ईथर को जब फेरस अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में हिलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो लाल रंग उत्पन्न होता है जो कि ईथर में परऑक्साइड की उपस्थिति को बताता है. C2H5 ऑक्सीडाइज होके C2H5 पॉजिटिव ओ नेगेटिव C2H5. इस अभिक्रिया में फेरस आयनों का फेरिक आयन में ऑक्सीडेशन होता है जो SCN- आयन से क्रिया करके लाल रंग का फेरोसाइनाइट बनाता है. FeSCN होल ट्वाइस बनाता है. ईथर प्लस टू फेरस प्लस ईथर परऑक्साइड Fe प्लस थ्री प्लस ईथर SCN- FeSCN होल ट्वाइस फेरिक थायोसाइनेट बनता है लाल रंग का. तो ये परऑक्साइड के निर्माण में भी काम आते हैं ईथर्स. इसी तरह से एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर ईथर प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड एवं एसिड बनाते हैं. K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस के अंदर ईथर जो हैं वो ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनाते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं. कम्बशन ईथर वाष्पशील एवं ज्वलनशील होते हैं. ये वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं C2H5O C2H5. ऑक्सीजन इसका कम्बशन होता है तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है. तो ये तो ईथर्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर हमने देखा. इसी में इपॉक्साइड्स क्या होते हैं. इपॉक्साइड्स तीन सदस्य चक्रीय ईथर होता है. ट्राई मेंबर्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ईथर्स. साइक्लोप्रोपेन की तरह इपॉक्साइड उच्च तनाव में किलोग्राम पर मोल तनाव एनर्जी के रूप में टेंशन वाले यौगिकों के रूप में यौगिक होते हैं तथा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं. इपॉक्साइड एथिलीन ऑक्साइड हैं जो कि एथिलीन के वायु द्वारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराने पर इंडस्ट्रियल रूप में बनाया जाता है. इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 Ag सिल्वर की प्रेजेंस के अंदर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम करवाते हैं तो इनसे इपॉक्साइड्स बनते हैं. CH2CH2O एक ट्राईसाइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है. ये त्रि सदस्य वाले यौगिक असामान्य गुण दर्शाते हैं, इनके स्पेसिफिक करैक्टर होते हैं. तो इसके अंदर हम देखें कि इनको किस तरह से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होंगी. इपॉक्साइड्स का निर्माण निम्न विधियों द्वारा हम कर सकते हैं. फर्स्ट है हेलोहाइड्रिन से. हेलोहाइड्रिन एल्किन के डबल बॉन्ड पर हेलोजन एवं जल के योग से प्राप्त होता है. बेस की उपस्थिति के अंदर हेलोहाइड्रिन में ये परिवर्तित हो जाते हैं. यह है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाई, ये हेलोहाइड्रिन्स हमारे बन गए. इनको बेस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाने पर इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है.
इसी तरह से अगर हम ये तो हमने लिया इथीन, ये अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन से भी जो है वो CH3CH CH2O, ये एक साइक्लिक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एल्किन के परऑक्सीकरण से भी हम परऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन से भी हम बना सकते हैं इपॉक्साइड्स को। परऑक्सी बेंजोइक एसिड से एल्किन इपॉक्साइड्स में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये हमारा है एल्किन प्लस परऑक्सी बेंजोइक एसिड। परऑक्सी बेंजोइक एसिड है हमारा C6H5COOOH। तो इससे जो है वो हमें इपॉक्साइड्स प्राप्त होते हैं प्लस बेंजोइक एसिड। इसी तरह से हम स्टाइरिन अगर लेते हैं C6H5CH2+ परऑक्सी बेंजोइक एसिड C6H5COOOH, इससे हम करवाते हैं तो स्टाइरिन इपॉक्साइड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्सीन के साथ में अगर हम करवाते हैं परऑक्सी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन तो इनसे हमें साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड्स मिलते हैं। इसी तरह से साइक्लोपेंटीन के साथ में हम करवाते हैं तो साइक्लोपेंटीन इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस देखें तो इपॉक्साइड्स अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं क्योंकि तीन सदस्य वलय उच्च तनाव के कारण सुगमता से खुल जाती है। टेंशन होता है इनमें, इसमें बंद कोण 60 डिग्री होता है जो सामान्य टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बहुत ही कम होता है। तो ये ओपन चेन वाले इथर की तुलना में इपॉक्साइड जो हैं वो दुर्बल वीक बॉन्ड वाले होते हैं और इनका स्थायित्व भी बहुत कम होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अम्ल एवं क्षार इपॉक्साइड के कार्बन ऑक्सीजन बंध को विघटन कर देते हैं। एसिड और बेस जो हैं वो इपॉक्साइड के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ भी देते हैं। एसिड कैटलाइज्ड रिंग क्लीवेज, इपॉक्साइड अति सुगमता से अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा इपॉक्साइड वलय खुलने के साथ ही एडिशन प्रोडक्ट भी इनके अंदर बनते हैं। तो ये कुछ एडिशन प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारे बने हैं, जैसे HBr प्लस इपॉक्साइड इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो BrCH2CH2OH 2-bromo एथेनॉल बनता है। इसी तरह से C2H5OH प्लस इपॉक्साइड की रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे 2-ethoxy एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम फिनॉल की रिएक्शन जो है वो इपॉक्साइड के साथ में करवाते हैं तो 2-phenoxy इथेनॉल का इससे हमारा फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एसिड कैटलाइज्ड क्रियाविधि में इथर के लिए ऑक्सीजन का पहले प्रोटोनेशन होता है और उसके बाद में प्रोटोनीकृत इपॉक्साइड पर न्यूक्लियोफाइल के ट्रांस अटैक करेगा और ट्रांस प्रोडक्ट से बनता है। नाभिक स्नेहिका प्रहार जो है अटैक वो है इथरीली ऑक्सीजन के विपरीत दिशा के अंदर होता है, दूसरी दिशा से ये इसके अंदर अटैक करते हैं। तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन अगर हम देखें CH2CH2O+H+ तो ये प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड्स बना। इस प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो ट्रांसपोजिशन पे अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बेस कैटलाइज्ड रिंग क्लीवेज अगर हम देखें तो क्षारों द्वारा इपॉक्साइड की वलय खुल जाती है तथा न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक के बाद में एडिशन प्रोडक्ट इसके अंदर बनाते हैं। जैसे ये बेस हमने लिया C2H5ONA, इथाइल सोडियम इथॉक्साइड प्लस ये सोडियम इथॉक्साइड है और ये हमारे इपॉक्साइड है, इन दोनों की रिएक्शन से जो है 2-ethoxy एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अमोनिया के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इपॉक्साइड्स की तो 2-amino इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर हम C6H5ONA फेनिल सोडियम
फिनाइलेट रगड़ लेते हैं और उसकी इपॉक्साइड के साथ में रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो इनसे भी 2-फिनॉक्सी इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पर न होकर वी प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पे होता है और इसके अंदर रिंग जो है वो ये डीप्रोटोनेटेड जो इपॉक्साइड्स हैं उन पे इसके अंदर होगा। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूक्लियोफाइल इपॉक्साइड पे रिएक्शन करता है और कार्बन आयन बनते हैं। ये कार्बन आयन जो है वो बेस की प्रेजेंस में अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। इपॉक्साइड वल्ले खुलने का अभिविन्यास ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। सिमेट्रिकल इपॉक्साइड जैसे एथिलीन ऑक्साइड में दोनों कार्बन समरूप होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, अतः न्यूक्लियोफाइल के लिए किसी भी कार्बन पर अटैक होने पर सेम प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल इपॉक्साइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेलेक्टिव होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर ये निर्भर करता है कि किस मीडियम के अंदर हो रहा है और इस प्रकार भिन्न भिन्न उत्पाद इसके अंदर मिलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद का बनना अम्ल तथा बेस कैटलिस्ट पर निर्भर करता है। अम्लीय माध्यम में नाभिक स्नेही अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है जिसके अंदर की ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं उस कार्बन पर अटैक होगा इस एसिड मीडियम के अंदर। जैसे आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया, आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड है ये हमारा, इसकी रिएक्शन जब हम एसिडिक मीडियम के अंदर करवाते हैं तो ये जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसी पर अटैक होगा और फॉर्मेशन होगा। जबकि क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही का आक्रमण इसके विपरीत होता है, अर्थात जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कम होते हैं वहाँ पे ये अटैक करता है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ होगी वहाँ पे अटैक करेगा बेस और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन करने पर जो है वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा जिसमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा जबकि इसके अंदर जो है वो हमारा सेकंड पोजीशन। दोनों अभिक्रियाएं SN2 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती हैं, अर्थात CO बॉन्ड का टूटना और नाभिक स्नेही का अटैक एक ही पथ के अंदर होता है। इपॉक्साइड के एसिड कैटलिस्ट क्लीवेज में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कि त्रिसदस्य वल्ले में बंद कोण तनाव के कारण पहले से ही दुर्बल होते हैं, प्रोटोनीकरण के कारण और अधिक दुर्बल हो जाता है और संक्रमण अवस्था में बंध निर्माण उसके अंदर होता है। और ये इस तरह से जो है इपॉक्साइड एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर ये बॉन्ड क्लीवेज के पश्चात में इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज में जो हमारा वीक निकलने वाला ग्रुप है निष्कासित समूह का ये होगा जिसमें कि प्रबल क्षारीय एल्कोक्साइड्स ऑक्सीजन होगा और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और इसके अंदर स्टीरियो सेलेक्टिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और क्रियाशीलता अधिक होने से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और आक्रमण कम स्टीरियो हिंडर्ड कार्बन पर होता है और बंद कोण बंध निर्माण जो है बंद विंधन से संतुलित कार्बन पर कोई विशेष इसका आवेश नहीं आता है। तो इस तरह से जो है वो SN2 मैकेनिज्म से होते हैं लेकिन इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एपॉक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं जिसमें अभिकर्मक के एल्किल समूह में
एल्किल समूह से दो कार्बन अधिक होता है। ये हम देखें कि RMGX प्लस इपॉक्साइड RCH2CH2OMGX हाइड्रोलिसिस पे ये RCH2CH2OH, तो इसके अंदर जो है वो जितने एल्किल समूह हमारे हैं इपॉक्साइड के अंदर उससे दो ज़्यादा कार्बन एटम वाला एल्कोहल का फॉर्मेशन इससे होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से इनसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इपॉक्साइड रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है लिथियम रिएजेंट रिएक्शन विथ लिथियम रिएजेंट। मेथिल लिथियम रिएजेंट कॉन्जुगेटेड इपॉक्साइड्स के साथ में दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, एक तो डायरेक्ट होता है और एक कॉन्जुगेटेड होता है। डायरेक्ट एडिशन में मेथिल लिथियम का कॉन्जुगेटेड इपॉक्साइड जैसे विनाइल ऑक्सीरेन से सीधा योग करने पर CO बॉन्ड का क्लीवेज द्वारा A और B के अंदर इसमें इस तरह से क्लीवेज होता है और मेथिल लिथियम जो है वो A और B दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्जुगेटेड एडिशन के अंदर जो है दूसरी ओर विनाइल ऑक्सीरेन की लिथियम डाइमेथिल ब्यूटेन के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इनोन के समान होता है और 2-pentene-1-ol इसके अंदर प्राप्त होता है। केवल एक ही प्रोडक्ट का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है अगर हम कॉन्जुगेटेड एडिशन करवाते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इसी नेक्स्ट है रिडक्शन। इपॉक्साइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचेन कराने पर CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है और संबंधित एल्कोहल्स जो हैं वो इनसे बनते हैं, जैसे हमने 2-phenyl ऑक्सीरेन या स्टाइरीन इपॉक्साइड जिसको हम बोलते हैं C6H5CHO CH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति के अंदर रिडक्शन करके 1-phenyl इथेनॉल का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को जो है वो देख सकते हैं कि इपॉक्साइड्स और ईथर कई केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारे रिएजेंट्स के रूप में भी काम में आते हैं। तो ये ईथर और इपॉक्साइड्स हमने देखा दोनों लेक्चर्स में फर्स्ट और सेकंड में कि किस तरह से ईथर इपॉक्साइड्स बना सकते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, नोमनक्लेचर और उनका क्लासिफिकेशन। थैंक यू।